अपन एक क्वेश्चन नंबर दे रखा है, एक दो घन है जिनका आयतन कितना दे रखा है आपके 64, दो है आपके घन और इन दोनों घनों का जो आयतन है वो दे रखा है आपके 64। इसका आयतन भी है आपके 64 सेंटीमीटर क्यूब और एक और घन दे रखा है उसका आयतन भी वही है। इसका भी आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों घनों को मिलाना है। जैसे मिलाएंगे तो ये घन आपके ऐसा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपके घनाभ, मतलब हमने यहां से मिला दिए दोनों घन पास पास आ गए। तो घन जब ध्यान दो, ये तो क्या थी आपके, ये जो भुजा थी अब ये थोड़ी लंबी हो गई, मतलब ये वाला लाइन बढ़ गई आप, लेकिन ये जो भाग था इधर वाला मतलब चौड़ाई अभी तक चौड़ाई वही है और जो ऊंचाई थी ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं आया, लेकिन आपकी जो लंबाई थी वो आपके बढ़ गई। तो दो घनों को मिलाने पर क्या बढ़ती है, केवल लंबाई बढ़ती है। कोई जैसे मान लो रूम ही है, मान बीच में कोई दीवार है, अब इन दोनों की दीवार तोड़ दी और पूरा एक कर दिया तो क्या बढ़ेगी, केवल कमरे की लंबाई बढ़ेगी, कमरा इधर से नहीं बढ़ेगा और ना ही कमरा ऊपर से बढ़ेगा, तो कमरे क्या बढ़ेगी केवल लंबाई बढ़ेगी। तो अब ये कितना बढ़ा, ये कितना था, तो पहले क्या करेंगे हम भुजा याद करेंगे। यहाँ क्या होता है चेंज होता रहता है, अगर 64 है तो भुजा कितनी होगी 4, ऐसे घन है तो 1 की घात 3 एक होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 3 27 होता है, 4 की घात 3 64 होता है, 5 की घात 3 125, 6 की घात 3 216। एग्जाम में ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, 64 भी आया हुआ है, ये सारे प्रयोग हो चुके हैं। अगर सवाल में 64 है सामने क्या लिख दो 4 भुजा, तो ये तो हो जाएगा ऊंचाई और चौड़ाई तो 4 ही देगी, लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 4 और 4 8 हो जाएगी, ये होगी आपके चेंज। अब कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो है घन, हमें क्या दे रखा है घन का आयतन, घन का आयतन, ये अलग घन है और ये अलग घन है, लेकिन हमारे पास आयतन दे रखा है, लेकिन क्या नहीं दे रखी है भुजा नहीं दे रखी। पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे, घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर की घात 3। कल बताया था घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा, मतलब भुजा इनटू भुजा, फिर ऊपर हाइट भी क्या है आपके भुजा में, तो ये होता है आपकी भुजा क्यूब बराबर दे रखा है आपके 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 किसका किसका घन है, 64 ये दे रखा है, तो किसका है 4 का, यहाँ जैसे मैंने लिखा है भुजा की घात 3 हो जाएगा 4 की घात 3, 3 से 3 कैंसिल, तो भुजा कितनी आ गई है आपके 4। अब जैसे दोनों को मिलाया तो मिलाने पर क्या हुआ कि लंबाई कितनी हो गई, लंबाई बढ़ गई, 4 तो इसकी भुजा है और 4 ही इसकी भुजा है, तो ये हो जाएगी 4 + 4 = 8 हो जाएगा 8। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आएगा, चौड़ाई वही रहेगी और ऊंचाई भी वही रहेगी। अब ये कहाँ सही, क्योंकि ये घन है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कितनी होती है 4, ये भी 4 होता है, ये भी 4 होती है और ये भी 4 होती है। पहले से थ्योरी से भुजा कहते थे, लेकिन जैसे ही दोनों को मिलाया तो दोनों का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, जो भुजा थी दो भुजा जोड़ी तो हमने हो गई लंबाई। अब जैसे एक में लंबाई आ गया है इसका मतलब बाकी वाले क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई आपके ऊंचाई। अब घनाभ है, इसका हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो से पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 दीवारों का, तो सूत्र क्या जानने का, 2 कोटक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, या तो याद कर लो या समझ लो, तो कल बताया था मैंने 2 का 2 लंबाई कितनी है 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, ये हो जाएगा 2 का 2 32 + 16 ये हो जाएगा आपके 8 और 32 + 4 = 16 + 8 = 32,
ये हो गया 2 इंटू कितना 80, ये हो गया आपके 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ आपके 125 देर का होता तो यहाँ होते कितना आता आपके 5, यहाँ कितना हो जाता 10, यहाँ होते 5-5। अगर 216 देर का है, ये भी आया हुआ है जहाँ 216 का भी आया हुआ है, 216 देर का है तो क्या उत्तर आ जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 और 6 12, यहाँ 12 लगाने हैं, यहाँ 12 लगाने हैं, सब क्या लगाएंगे 6-6 लगाएंगे, ऐसे ध्यान करिए। आगे बढ़ूंगा और ये आया हुआ अभी बोर्ड में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है। एक कोई बर्तन है जो कैसा है आपके खोखले अर्ध गोले आकार का है, ये है आपके अर्ध गोला है, खोखला अर्ध गोला, ये है अर्ध गोला कटोरा जैसे। इसने क्या कहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, इसके ऊपर क्या दे रखा है, एक बेलन दे रखा है। बेलन ये कैसा है, खोखला बेलन है, मतलब अंदर कुछ भी रख सकते हो, खोखला है। ये दे रखा है आपके बर्तन इस टाइप का, जो ऊपर से तो है गोल, यहाँ से भी क्या है गोल, लेकिन वो बंद है नीचे से। अब क्या दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है, अर्ध गोले का क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है आपके 14 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितनी आ गई है, 14/2, ये आ गई है 7। गोले में क्या होता है कि त्रिज्या भी 7, गोले में 4 और त्रिज्या रहती है, इधर 7 है तो ये भी क्या होगा 7, और ये भी भाग कितना है, ये भाग 7 हो गया। अब आगे क्या कहा उसने, आगे कहा है कि पात्र की यानी इस बर्तन की ना बेलन बोला है ना अर्ध गोला बोला है, इसने क्या बोला है, इस बर्तन या इस पात्र की ऊंचाई, इस पूरे की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके 13, 13 में से ये कितना है 7, तो ये कितना बच गया पीछे 6, 13 में से 7 गए 6 आ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है हमें ज्ञात, हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखो दो चीज है, एक तो है आपके बेलन और एक क्या है आपके अर्धगोल, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लेना है बेलन का और एक लेना है हमें अर्ध गोले का, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या है याद करने का, 2πRh, अर्ध गोले का क्या होगा 2πr² अर्ध गोले का दो भाग होता है, एक होता है 2πr² जो चारों ओर गोल गोल भाग, संपूर्ण गोले वक्र भाग तो 2πr² और संपूर्ण भाग क्या है तो 3πr², ये बेलन का संपूर्ण भी हो जाएगा। देखो ध्यान दो, 2πr इसमें भी है और 2πr इसमें भी है, ये तो आ गया आपके कॉमन, पीछे बच गया h और उसमें बच गया आपके r, इसमें h ज्यादा है और इसमें r ज्यादा है, 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है 7, ऊंचाई दे रखी है 13, 6 है, अरे ये है ऊंचाई तो, क्योंकि ये क्या है बेलन है, हमें क्या चाहिए बेलन की ऊंचाई, फिर 6 कैसे ज्ञात किया, 6 क्या हो गई आपके ऊंचाई, तो ये हो गई आपके 6 और त्रिज्या कितनी है 7 प्लस ये हो गया कंप्लीट। अब देखो ध्यान, दोनों कॉमन कर लिया दोनों को साथ में, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 2 44 × 7 और 6 13, 13 × 52, 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर,